आम आदमी पार्टी जिला सिवनी के अध्यक्ष दुर्गेश विश्वकर्मा के नेतृत्व में विगत दिनों हुई अतिवर्षा तूफान से खराब फसलों का तत्काल सर्वे कराया जाकर केजरीवाल सरकार की तर्ज पर 50,000 प्रति हेक्टेयर राहत आपदा राशि की मांग को लेकर जिला कलेक्टर सिवनी के माध्यम से मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा है, जिसमें सर्वे पंचनामा रिपोर्ट को पंचायत कार्यालय के माध्यम से सार्वजनिक करने की मांग भी की है ताकि बीमा कंपनी और किसान के बीच मतभेद पैदा न हो। आने वाली रवि फसलों के लिए गुणवत्ता युक्त बीज खाद की व्यवस्था सुनिश्चित करने, विगत सरकार द्वारा जारी किसान कर्ज माफी को आगे बढ़ाए जाने, आगामी फसल मक्के को समर्थन मूल्य पर निश्चय किए जाने की प्रमुख मांगे नाम आने जाने पर किसानों ने आमजन के साथ उग्र आंदोलन की बात कही। सिवनी से महफूज अंसारी की रिपोर्ट। फसलें कर्ज लेकर लगाई गई थी जो कि खराब हो चुकी है, जिससे भविष्य के लिए जीविका मार्जन मुश्किल हो गया, इसलिए उन्हें सहायता राशि दी जाए। यहाँ की फसलों की नुकसानी का सर्वे दिल्ली सरकार की तर्ज पर 50,000 रुपए हेक्टेयर की दर से राहत आपदा राशि किसानों के खाते में तत्काल डाली जाए। सर्वे रिपोर्ट को पंचायत कार्यालय में सार्वजनिक की जाए ताकि बीमा कंपनियां किसानों के बीच में पारदर्शिता बनी रहे एवं किसानों को जो सांत्वना राशि तुरंत दिलाई जाए ताकि किसानों की वर्तमान की अर्थव्यवस्था बनी रहे तथा किसानों को मानसिक रूप से कोई आर्थिक दबाव न पड़े और किसान कोई गलत कदम न उठाए। यहाँ की पूर्ववर्ती सरकार द्वारा जो जारी किसानों की कर्ज माफी योजना थी वह पुनः जारी की जाए और उसे बढ़ाई जाए, जो भी जो ऋण माफी है उसे माफ की जाए। शेष किसानों जो सिवनी जिले में किसानों में अधिकांश जो मक्के की फसल लगाते हैं और पूर्व में सरकार द्वारा मक्के के दाम में न्यूनतम समर्थन मूल्य निश्चय नहीं किया गया है, जो निश्चय किया जाए नहीं तो औने पौने दामों में किसानों का मक्का लिया जा रहा है, जिससे किसानों की आर्थिक व्यवस्था बिगड़ चुकी है। अतिवृष्टि से किसानों के साथ आमजन को भी भारी नुकसान हुआ है, जैसे बहुत सूखे घर मकान टूट चुके हैं, बह चुके हैं, पशुधन की भी हानि है, उसके भी राहत राशि प्रदान की जाए, ये माननीय महोदय को आपके माध्यम से हम। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज़। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।